नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नम शिव लिंगाय नम सर्वेतु सुखिन नारायण भगवान शिवन्ारायण से हमारी वंश परंपरा और गुरु परंपरा प्रारंभ होती है भगवत पाद आदिशंकराचार्य महाभाग दसवें स्थान पर सिद्ध होते हैं नारायण की दृष्टि से विचार करें तो एक अरब संतानवे करोड़ उनतीस लाख उनचास हज़ार एक सौ बीस वर्षों की हमारी परंपरा है भगवत पाद आदिशंकराचार्य महाभाग की दृष्टि से विचार करें तो 2,503 वर्षों की हमारी प्रशस्त परंपरा है पूरी पीठ के हम 145 में मान्य शंकराचार्य हैं हमको परंपरा से यह प्रशिक्षण प्राप्त है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए धर्म का निर्णय लेना चाहिए और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वसीभूत होकर हम एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं किन्हीं आस्तिक महानुभाव की यह भावना हो सकती है कि अगर इस विभीषिका की दशा में रथ यात्रा की स्वीकृति दी जाए तो श्री जगन्नाथ जी उन्हें क्षमा नहीं करेंगे लेकिन प्रशस्त परंपरा का विलोप होने पर क्या क्षमा कर देंगे जगन्नाथ जी इस पर भी विचार करना चाहिए ऐसी स्थिति में प्राप्त विभीषिका को देखते हुए और शास्त्र सम्मत प्राचीन प्रथा को देखते हुए निर्णय की आवश्यकता थी मैं एक संकेत कर देना चाहता हूँ कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव प्रामाणिक रीति से जब हुआ तब विश्व में कोई क्रिश्चियन तंत्र मुस्लिम तंत्र पारसी तंत्र आदि नहीं था एक भट्टाचार्य विश्व एक शंकराचार्य के अधिकार क्षेत्र में आता था आज भी इस जगन्नाथ मंदिर तो पूरी पीठ के शंकराचार्य के ही साक्षात क्षेत्र में है धार्मिक और आध्यात्मिक विषय के न्यायाधीश तो हम लोग माने ही जाते हैं परंपरा से और मान उच्चतम न्यायालय के अनुसार भी ऐसी स्थिति में न्यायालय का भी ये दायित्व होता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोगों से परामर्श ही नहीं मार्गदर्शन लिया जाए मैंने जो संकेत किया था मान उच्चतम न्यायालय ने जो शुद्ध भावना का परिचय देकर प्राप्त विभिषका से बचने के लिए निर्णय लिया है उसमें भावना पर आक्षेप नहीं करता लेकिन सूझबूझ तो पर्याप्त नहीं है इसलिए कोई व्यक्तित्व का प्रश्न उठा करके विवेक का समाधान करते हुए मान्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो मेरे लाडले प्यारे हैं उन्हें मैं एक अनुरोध करता हूँ कि वे प्रशस्त ढंग से निर्णय प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करें नारायण नारायण